नवरात्रि स्पेशल में आज हम बहुत ही हेल्दी और मेरे घर की सिंघाड़े की बर्फी की रेसिपी लेकर आए हैं, जो जली जैसी होती है और मुंह में तो मानो जैसे घुल सी जाए। रेसिपी थोड़ी सी ट्रिकी है, तो प्लीज़ एंड तक वीडियो ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी मेवा लेंगे, जैसे 4 से 5 काजू और बादाम, उनको स्लाइस करके रखेंगे, और 1 से 2 चम्मच मेलन या मगज के बीज। अब एक तड़का पैन में 1/2 चम्मच घी डालेंगे और ये सारी मेवा इसमें डालकर धीमी आंच पर अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। अब 1 कप सिंघाड़े का छना हुआ आटा लेंगे और साथ में 1/2 कप से थोड़ी सी ज़्यादा चीनी लेंगे। चीनी को हम मिक्सी में पीस लेंगे। अब हम एक बड़े बर्तन में 5 से 6 कप पानी लेंगे और पिसी हुई चीनी को इसमें अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इस पानी चीनी के घोल में सिंघाड़े के आटे को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और अच्छे से चलाकर एक मिक्स तैयार करेंगे। जितना अच्छा मिक्स किया हुआ बिना किसी गुलटी के एकदम स्मूथ घोल हम तैयार करेंगे, उतनी ही अच्छी बर्फी हमारी बनेगी। देखिए कितना स्मूथ मिक्स हमारा तैयार हो गया है। अब पहले से ही हम एक बड़ी प्लेट में घी लगाकर रख लेंगे, बाद में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। अब एक कढ़ाई में सेम तरीके से ब्रश से हम पूरा घी स्प्रेड कर लेंगे ऊपर तक और उसमें ये हमारा जो मिक्सचर है वो डाल देंगे। इसको हम लो फ्लेम पर पूरा पकाएंगे और विस्क के साथ लगातार मिक्स करते रहेंगे ताकि कोई भी लंप ना बने। धीरे धीरे ये थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होना शुरू करेगा और हमें इसको लेके जाना है हलवे वाली कंसिस्टेंसी पे। अब तुरंत ही हमने जो प्लेट तैयार की थी उसमें हम ये गरम गरम पूरा मिक्सचर डाल देंगे और प्लेट में सेट करना शुरू करेंगे। बर्फी को थोड़ा सा थिक रखना है ताकि अच्छे से कटते बने, इसलिए हम 2 लेयर रखेंगे। हम एक अच्छी मोटी लेयर पूरी प्लेट में स्प्रेड कर लेंगे और उसके बाद फ्राई किए हुए हमारे जो मेवा हैं उसके ऊपर डाल देंगे और फिर 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि बर्फी अच्छे से सेट हो जाए। बर्फी हमारी सेट हो चुकी है। अब एक नाइफ़ की हेल्प से हम साइड को अलग करेंगे और स्क्वायर या रेक्टेंगल जैसा शेप आपका मन करे उस शेप में हम काट लेंगे। देखिए है ना एकदम जली जैसी, और कितनी हेल्दी रेसिपी है ये आपने खुद देखा। इसको आप सिंपल बिना किसी नमक या चीनी वाले दही के साथ सर्व करिए और इसको अच्छे से इंजॉय करिए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना ना भूलें। गुड बाय।